हेलो एवरीवन, बेस्ट ट्रेवल माइक्रो निच वेबसाइट आइडिया सीरीज का जो सेकंड पार्ट है, यहाँ पे भी हम लोग एक कीवर्ड पकड़ेंगे, देन उसमें माइक्रो निच वेबसाइट के लिए डेटा प्रिपेयर करेंगे। तो इससे पहले मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूं, जो सीरीज का फर्स्ट पार्ट था उस वीडियो का अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया तो वो भी वीडियो आप लोग चेक कर सकते हो, वहां पर भी मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को नॉलेज शेयर किया। तो अब सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते, एक नई माइक्रो निच फाइंड करते और उस पर डेटा प्रिपेयर करते हैं। तो चले फ्रेंड शुरू करते। ये आप लोग देख पा रहे हो हिल स्टेशन, तो इससे रिलेटेड आप लोगों को एक वेबसाइट बनाने डमी डेटा, इसके लिए मैं थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूं। देन मैं यहां पे आप लोगों को डमी डेटा से डेटा निकाल कर दिखाता हूं कि कैसे आप लोगों को माइक्रो निच वेबसाइट के लिए डेटा निकालना है। तो आप लोग देख पा रहे हो टोटल कीवर्ड्स की बात को, तो आप लोग देख पा रहे हो 632। ओवरऑल टोटल सर्च वॉल्यूम की बात को तो आप लोग देख पा रहे हो 14 लाख के आसपास इसका टोटल सर्च वॉल्यूम है। ट्रेंड की बात करें तो आप लोग देख पा रहे हो 33% अप पे। एवरेज सीपीसी की बात करें तो ज्यादा नहीं मिल रहा है, लेकिन इंडिविजुअल टॉपिक लेवल पर देखेंगे तो ये बढ़ता हुआ आप लोगों को दिखेगा। ओवरऑल कॉम्पिटिशन की बात करें तो देख पा रहे हो बिल्कुल लो है। अब यहाँ से हम लोग डेटा बनाते हैं, तो आप लोग देख पा रहे हो हिल स्टेशन कीवर्ड के अगर मैं सर्चेस की बात करूँ तो आप लोग देख पा रहे हो 49,500 का इसका टोटल सर्चेस है। एवरेज ट्रेंड की बात करें तो 22% का अप है। आप लोग सीपीसी की बात करो 0.06 मिलेगा, कॉम्पिटिशन बिल्कुल लो है। लेकिन थोड़ा सा मैं नीचे हूं तो आप लोग देख पा रहे हो ये मुझे एक कीवर्ड मिल रहा है नियर वाले हिल स्टेशन नियर दिल्ली, तो इस तरीके का कीवर्ड मुझे मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि यहां पे मैं कुछ कर सकता हूं, तो अभी के लिए मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूं कि नियर वाले मुझे एक नया कीवर्ड मिल रहा है, तो इस पर मुझे थोड़ा सा डीप डाउन करना होगा। आप थोड़े और नीचे आता हूं, अब आप लोग देख पा रहे हो हिल स्टेशन इन, तो इन वाले भी मुझे एक बार यहां पे मिल रहा है, तो इसको भी यहां पे मैं नोट करके रख लेता हूं कि नियर इन इस पर मुझे रिसर्च करना है। थोड़ा सा और नीचे आता हूं तो ये आप लोग देख पा रहे हो बेस्ट, तो बेस्ट भी यहां पे मुझे मिल रहा है, तो ये भी मैं यहाँ पे नोट डाउन करके रख लेता हूँ। ये आप लोग देख पा रहे हो मुझे तीन कीवर्ड मिल गया नियर इन एंड बेस्ट। थोड़ा सा और नीचे आता हूं, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ और नया मिल रहा है कि आप लोगों को नहीं मिल रहा है। ठीक है, ओके, वेल एंड गुड। अब हम लोग इसको थोड़ा सा डीप डाउन करते हैं। ये आप लोग देख पा रहे हो तीन कीवर्ड यहाँ से मुझे मिल गया नियर इन एंड बेस्ट। इन तीनों कीवर्ड को मिक्स करके मैं आप लोगों के लिए डेटा प्रिपेयर करता हूँ, तो बेस्ट हम लोग ले लेते हैं बेस्ट। अभी के लिए मैं और ज्यादा डीप डाउन करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं स्टार दे देता हूँ। मैं इनको बोल रहा हूँ भाई इससे रिलेटेड जो भी सर्चेस है उसकी डेटा ला के मुझे दे दे। अब ये मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पे डेटा डीप डाउन करते हैं, देन हम लोग यहाँ पे इनके साथ भी करेंगे नियर के साथ भी करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे डेटा देखते हैं, तो ये आप लोग देख पा रहे हो टोटल कीवर्ड 280 है। ओवरऑल सर्च वॉल्यूम की बात करें 69,000 का सर्च वॉल्यूम मिल रहा है। एवरेज ट्रेंड थोड़ा डाउन है, लेकिन सीपीसी आप लोग देख पा रहे हो एवरेज कंपटीशन बिल्कुल लो है। यहाँ पे देखिए बेस्ट हिल स्टेशन है इंडिया, 12,100 का सर्चेस है। आप लोग सीपीसी देख पा रहे हो 0.07 की सीपीसी मिल जाए, कंपटीशन देख पा रहे हो बिल्कुल लो है। तो यहाँ पे आप लोग काम कर सकते हो, नियर वाले कीवर्ड हम लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग देख पा रहे हो नियर दिल्ली इस तरीके के सर्चेस है। इन वाले भी जानना चाहते हैं तो ये है। अब हम लोग थोड़ा सा और डीप डाउन करते हैं कि और मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, इन करते हैं, इसके साथ स्टार करते हैं, इससे रिलेटेड यहाँ पे डेटा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या चीजें लोग सर्च करते हैं, इस पे आप लोग कैसे यहाँ पे टॉपिक्स बना सकते हैं। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये आप लोग देख पा रहे हो 284 कीवर्ड मुझे मिल गया, 80,000 का यहाँ पे सर्च वॉल्यूम मिल गया। आप लोग एवरेज कंपटीशन देखो बिल्कुल लो है, एवरेज सीपीसी देखो 0.05, ये भी ठीक ठाक है। थोड़ा सा नीचे आता है तो आप लोग देख पा रहे हो बेस्ट हिल स्टेशन इन इंडिया, इसके बारे में बात कर चुके हैं, तो ये आप लोग देख पा रहे हो 12,100 का सर्च वॉल्यूम। थोड़ा सा और नीचे आते हैं टॉप 10 हिल स्टेशन इन इंडिया, आप लोग देख पा रहे हो 4,400 का सर्च वॉल्यूम है, सीपीसी काफी अच्छा मेरा 0.18। एवरेज कंपटीशन की बात करो तो बिल्कुल लो, इसके कीवर्ड को पकड़ के आप लोग काम कर सकते। और नीचे आते हैं तो बेस्ट हिल स्टेशन इन तमिलनाडु, ये देख सकते हो कीवर्ड काफी अच्छा है। बेस्ट हिल स्टेशन इन केरला महाराष्ट्र, तो काफी अच्छे कीवर्ड्स मिल रहे थे, इन सबको आप लोग पकड़ सकते हो। ये आप लोग देख पा रहे हो काफी अच्छा सीपीसी भी मिल जाए। बेस्ट हिल स्टेशन इन कर्नाटका, ये आप लोग देख पा रहे हो 720 का सर्चेस है। एवरेज ट्रेंड की बात करें 22% अप है। ओवरऑल सीपीसी की बात करें आप लोग देख पा रहे हो 0.46, काफी अच्छा सीपीसी मिल रहा है। एवरेज कॉम्पिटिशन बात करें बिल्कुल, इस तरीके की कीवर्ड को पकड़ के आप लोग काम कर सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, हम लोगों को एक और कीवर्ड मिला था नियर, तो मैं यहाँ पे नियर सर्च करता हूँ, इसके साथ स्टार लगा देता हूँ। अब मैं इसको बोलता हूँ नियर वाले रिलेटेड मेरे को क्वेरी दिखा दे। तो अब हम लोग यहाँ पे तो देखते हैं कि किस तरीके की डेटा आप लोगों को दिखेगी, थोड़ा सा रिफ्रेश होने देते हैं। अब आप लोग देख पा रहे हो 186 कीवर्ड मिल गया मुझे, 58,000 का सर्च वॉल्यूम मिल गया। अब ओवरऑल सीपीसी की बात करें तो लो है, लेकिन कॉम्पिटिशन आप लोग देखो बिल्कुल 1 का कॉम्पिटिशन है, लो है, तो इस पर भी आप लोग काम कर सकते हो। अब आप लोग देख पा रहे हो हिल स्टेशन नियर मुंबई 9,900 का सर्चेस है। सीपीसी की बात करें 0.07 मिल जाएगा, कॉम्पिटिशन लो है, तो इस तरीके की कीवर्ड आप लोग पकड़ के काम कर सकते हैं। आप लोग देख पा रहे हो बेस्ट हिल स्टेशन नियर दिल्ली 3,600 का सर्च वॉल्यूम है। आप लोग ओवरऑल सीपीसी की बात करो 0.10 मिल रहा है, एवरेज कंपटीशन की बात करें तो लो है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एक कीवर्ड को पकड़ के उसके डमी डेटा से हम लोग माइक्रो निच वेबसाइट के लिए आइडिया बनाते हैं। तो आप देख पा रहे हो तीन टाइप के कीवर्ड मैंने यहाँ पे पिक किए, नियर इन एंड बेस्ट, एंड तीन टाइप के कीवर्ड से मैंने आप लोगों के लिए इतना सारा डेटा बना दिया। तो इस तरीके से हम लोग डीप डाउन करते हैं, माइक्रो निच वेबसाइट के लिए आइडिया निकालते हैं। तो अब मैंने आप लोगों को दे दिया कि हिल स्टेशन से रिलेटेड आप लोग एक वेबसाइट बना सकते हो। मैं आप लोगों को बता दूं मैं पेड यहाँ पे टूल यूज कर रहा हूँ, इसके लिए आप लोग फ्री टूल भी यूज कर सकते हो, मार्केट में काफी सारे फ्री टूल भी है, चैरियप का भी यूज कर सकते हो। मैंने पेड यूज किया, लेकिन जो मैं डेटा आप लोगों को बता रही हूँ गूगल की एपीआई यूज करते, इस वजह से थोड़ा सा डेटा आप लोगों को
को 99% थोड़ा सा करेक्ट मिल जाता है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, मैंने आप लोगों को नेक्स्ट माइक्रो निच वेबसाइट आइडिया बता दिया कि हिल स्टेशन से रिलेटेड आप लोगों को एक वेबसाइट बनाना। अगर आप लोगों को लगता है इससे रिलेटेड मुझे कुछ और भी बात करनी चाहिए तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बता देना, मुझे लगेगा उसके बारे में और भी बात करनी चाहिए तो उस पर भी बात कर लेंगे। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों के पास पहले से कोई वेबसाइट है तो वो भी आप लोग नीचे मेंशन कर सकते हो। तो फ्रेंड ये थोड़ी सी बात थी जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया था ताकि आप लोग इस तरीके की बातों से अपडेट रह सको। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक अपने आप पर सफाई रखें, अपने छोटे बड़ों का ध्यान रखें। जय हिंद जय।